हम आपको बताएंगे प्रकृति के नियमों के साथ हो रहे एक ऐसे खिलवाड़ के बारे में जिसकी वजह से हमारे लिए हेल्दी कहे जाने वाले फ्रूट्स दिन ब दिन होते जा रहे हैं अनहेल्दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग की। जो लोग रॉन्ग तरीके से पैदा करते हैं फ्रूट्स एंड ऑल द थिंग्स, तो वो बंद होनी चाहिए। लोग अपने कमाई बढ़ाने के लिए, लोग जो फ्रूट्स जल्दी राइप नहीं होते रहते ना, तो उनको आर्टिफिशियल हेल्प से उसको जल्दी राइप करने की कोशिश करते हैं, जो कि खतरनाक है। हम बोलते हैं मॉर्निंग एक सेब लेना, एक एप्पल लेना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब एप्पल में क्या हो रहा है, उसको पॉलिश करके दे रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये सब फल है वो कार्बाइड लगा के पकाते हैं, जो खेत में से कच्चे फल होते हैं उनको कार्बाइड लगाते हैं, तो ये आर्टिफिशियली प्रोसेस किया हुआ है वो हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानकारक है। जो फल है अभी आज आम कैरी झाड़ से तोड़ते हैं पेटी में, वो बाग आता पेटी में, हमने अपनी आंखों से देखा पेटी में पाउडर मारते घास रख के उसको मार्केट में आता है, 5 दिन में पक जाता है वो फल, लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता जो मजा पहले का था, खुशबू आना चाहिए वो खुशबू नहीं आती है, वरना पहले तो आपूस आम जितना दूर रहता था खुशबू आती थी, आज तो खा रहे तो मालूम पड़ा आपूस खा रहे हैं, दशहरी खा रहे हैं, वो लंगड़ा आम खा रहे हैं। जो पके हुए फ्रूट होते हैं हम उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत डैमेज हो सकते हैं फ्रूट को, तो सिस्टम ये है कि अधपके पल को ही आप तोड़ लो और उसको राइप करने के लिए आप स्पेसिफिक उन लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जाए कि ये ट्रांसपोर्टेशन में ये फ्रूट बहुत इजी हो जाते हैं अनराइप फ्रूट, तो अनराइप को राइप करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम राइपनिंग बोलते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग बोलते हैं। समय से पहले पके हुए फल स्वास्थ्य को बेहद नुकसान पहुंचाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के प्रयोग से पके हुए ये फल हमारी सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। क्लासिकली केले के इंडस्ट्री में देखा गया है कि इथिलीन ग्लास का इस्तेमाल होता है, या मैंगो में देखा गया है कि कार्बाइड का होता है, आजकल लोग वेजिटेबल्स को लिए भी ये माध्यम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही हानिकारक होता है और कैंसरजन होता है, जिससे कैंसर तक हो सकते हैं, तो मुझे लगता है इसको अवॉइड करना चाहिए, ये अप्राकृतिक है। इसके बॉडी पे इफेक्ट जनरली अगर आप देखें तो ये ऑल केमिकल्स होता है, केमिकल्स अपने बॉडी के लिए हमेशा हानिकारक होता है, जनरली अपने नर्वस सिस्टम जैसे ब्रेन और नर्व्स को इफेक्ट करता है, इसे अगर हम शुरुआत के समय में आदमी या इंसान जिन्होंने खाया है उनको नींद नहीं आ सकती है, इरिटेबल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया तो शायद ब्रेन को इफेक्ट करके झटके जैसे बोलते हैं हम लोग, वो हो सकता है। कार्बाइड में उपस्थित आर्सेनिक और फॉस्फोरस फलों के पोषण तत्वों को नष्ट तो करते ही हैं, साथ ही फलों को जहरीला भी बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली मैंगो इंडस्ट्रीज में, ये कैल्शियम कार्बाइड जब एटमॉस्फेयर वेपर के कांटेक्ट में आती है तो एसिटिलीन गैस में कन्वर्ट होती है, और ये एसिटिलीन गैस से हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, अकड़ी आ सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, इवन हमें पैरालिसिस और कैंसर जैसी बीमारियां भी कार्बाइड से हो सकती है, और ये कार्बाइड ऑल्सो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करके आर्सेनिक और एंटीमनी में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अगर फल को बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल राइपन किया हो गया तो बाहर से बहुत अच्छा दिखेगा, पर अंदर से उसके जो पौष्टिक आहार रहते हैं वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं, तो एक तरफ से ज़ीरो हम जो बोल रहे हैं हम लोग गार्बेज खा रहे हैं, तो वो एक्सट्रीम हो सकता है कि हमें ऐसा फॉल्स फीलिंग है कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं बट बहुत ख़राब खा रहे हैं। एक्यूट स्टेज में अगर बहुत ज़्यादा उसमें राइपन होके फंगस लग गया तो हमें फंगल इन्फेक्शन होके उनके टॉक्सिन से हमारी पूरी बॉडी डैमेज हो सकती है, जिसमें जान का खतरा बन सकता है, लॉन्ग टर्म में हमको कैंसर का चांसेस। फलों को पकाने के लिए और उसको ताजा बनाए रखने के लिए इन सब रसायनों का प्रयोग होता है। इथिलीन, जैसे मैंने बोला, इथिलीन गैस का इस्तेमाल केले को राइप करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये एक लिक्विड है जिसको कच्चे केले पे स्प्रेड किया जाता है, लेकिन एक कांटेक्ट में आने के बाद ये लिक्विड गैस का रूप लेती है और गैस के फ्यूम्स बहुत इरिटेटिंग होते हैं, इससे हमारे आँखों की रोशनी जा सकती है, हमें मुँह में अल्सर हो सकते हैं, हमें निमोनिया हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और कैंसर होता है।
फलों को देखकर हर किसी का जी जरूर ललचाता होगा, लेकिन ये पता नहीं चलता कि क्या ये अपने आप पके हुए हैं या समय से पहले केमिकल की सहायता से जबरदस्ती पकाए हुए हैं। कोई भी फ्रूट अगर यूनिफॉर्मली ग्रीन है, यूनिफॉर्मली येलो है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई दाग नहीं, एकदम सुपर्ब दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फल है ये हमने आर्टिफिशियल तरीके से राइपन किया हुआ। जब हम आर्टिफिशियली किसी भी चीज़ को राइपन करते हैं, किस हद तक वो केमिकल उस फ्रूट या वेजिटेबल में जाता है वो हमें नहीं पता चलता है। क्या वो पूरी तरह से पक गया है वो भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपने को देखने को मिले। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी में अंदर से थोड़ा कच्चा पना रह जाता है, जब हम उसे पकाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आता है, तो हम उस हिसाब से सब्ज़ियाँ भी कम खाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं कि हमारा फ्रूट्स और वेजिटेबल का सिलेक्शन कैसा था। तो कॉमनेस्ट जो डिफ्रेंशिएशन है कि हम जो फल का इस्तेमाल करते हैं वो कोई दागी नहीं होना चाहिए, जैसे हमने आम लिया वो दागी आम नहीं होना चाहिए, या कहीं पे हम इसको मेडिकल लैंग्वेज में नेक्रोसिस कहते हैं, कालापन कहीं पे आ गया या खड्डे पड़ गए, वो आम का इस्तेमाल हुआ वो फल का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। आजकल फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग अधिक होने लगा है, क्योंकि 250 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड सिर्फ 15 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ऐसे रसायनों के इस्तेमाल के लिए कानून भी है, लेकिन उस कानून को मानने वाला कोई नहीं। ऐसा अगर बीमार होता तो फिर इसको बहुत पहले से ही रोक लग जाती, मगर इसको सरकार भी इसके ऊपर कहाँ रोक लगाती है। ये तो कार्बाइड जरूरी जरूरी है फल फ्रूट में लगाना, इतना तक कि भाजी भी पकाया जा रहा है। यदि फल पूरे पके होने के बाद भी उनका डंठल हरा हो तो ये दर्शाता है कि वो फल कैल्शियम कार्बाइड की सहायता से पकाए गए हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड अगर उसको हमने डाला हुआ है तो उसमें जैसा थोड़ा केमिकल जैसा ऐसा लगा रहेगा, उसमें पाउडर जैसा लगा रहता है, अच्छी खुशबू आती है, तो ये सब चीज़ों से हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल राइपन किया हुआ है। आजकल कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग केले और आम को पकाने के लिए ज़्यादा हो गया है, इसीलिए कोई भी फल खाने से पहले उसे अच्छी तरह धोकर खाएं। रेगुलर वेंडर से खरीदना चाहिए जिससे हम विश्वास कर पाए। एक बार फ्रूट्स और सब्जियां खरीद लिए हमने तो उसे घर आके अच्छे से वॉश करना चाहिए, वॉश इन द सेंस क्लीन पोर्टेबल वाटर से, रनिंग टैप वाटर से हमें वॉश करके उसे खाना चाहिए। वॉश करने का मतलब ये नहीं कि आपने डिटर्जेंट का ऐड किया है और उससे आप वॉश कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्जेंट उसमें फ्रूट्स में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। हम जो भी फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको पील करके हमको इस्तेमाल करना चाहिए, या को जो भी वेजिटेबल्स है, फॉर एग्जांपल कैबेज हो गया, तो कैबेज का आउटर लेयर निकाल के हमें इस्तेमाल करना चाहिए। रसायनों के प्रयोग संबंधी कानून फूड एडल्ट्रेशन 1954 के 44th अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार एसिटिलीन गैस या कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते पाए जाने पर 5,000 तक का जुर्माना या उम्र कैद तक हो सकती है। मैं खाली लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप जरा अलर्ट हो जाइए, फूड एडल्ट्रेशन लॉ है, इसका इस्तेमाल कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपका फूड सेलर यदि ये कर रहा है तो आपको इस अथॉरिटीज़ को फ़ोन करके सचेत करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें करने के लिए एक 4x5 की खोली भी बहुत बहुत बड़ी होती है लोगों को करने के लिए, तो वहाँ तक फूड ड्रग एडल्ट्रेशन की अथॉरिटीज़ है वो नहीं घुस पाएंगे। तो आप ही को एक यू नो गुड माध्यम बनना चाहिए ये सब रोकने के लिए। कानून बनने के बाद भी ऐसे फलों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, फलों को पकाने वाले फल बेच रहे हैं और खरीदने वाले खरीद रहे हैं, पर अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कैसे करते हैं। कटे हुए फ्रूट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें एक ही वेजिटेबल हॉकर से फ्रूट लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो वेजिटेबल हॉकर कैसा है और कैसे प्रकार की फ्रूट रखता है और आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। जहाँ तक हो सके प्राकृतिक चीज़ों पे डिपेंड करें, जितना हम प्रकृति के पास होते हैं उतना ही हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं।